हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। और अभी मैं बिरतामुठ, नेपाल का जो बिरतामुठ सिटी है, इस एरिया में हूँ। और हम लोग कल यहाँ पर जो है याथिंगस्टर सीज़न 1 का जो फाइनल था उसको देखने के लिए आए थे। और साथ में हमारे जो असम के जो कंटेस्टेंट थे, हमारे तारावी लिंबू, ये अभी मेरे साथ है, आगे आगे चल रहे हैं, ये ब्लैक टी शर्ट है। इनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग आए थे, इनके फेवर में आए थे। और अभी हम लोग जो है सुबह का जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ये हमारा बिरतामुठ का जो है अर्जुन धारा एरिया है यहाँ पर, ये जो एरिया है। और अभी हम लोग यहाँ पर चार बंदे साथ में हैं, हमारे मेरे बड़े पापा है, ये रविंद्र सुब्बा जी, ये बादशाह डिस्ट्रिक्ट लिंबू महासभा असम के सभापति जी हैं, हमारे दो कल के याथिंगस्टर सीजन के फाइनलिस्ट तारावीर लिंबू और ये उदय बेगा जी ये दोनों भी मेरे साथ अभी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर टहल रहे हैं, एक्चुअली मॉर्निंग वॉक का है या जस्ट टाइम पास भी कह सकते हैं इसको। हम लोग ये बिरतामुठ एरिया में घूम रहे हैं। तो ये जो एरिया है, ये बस पार्क एरिया है, यहाँ पर जो बस स्टैंड है, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये पीछे, मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो बस पे खड़ा है, ये बिरतामुठ का बस पार्क है। पार्क के वो जो कोने में, एकदम लास्ट में जो कॉर्नर में, तो ये एक ग्रीन सा ये बिल्डिंग दिख रहा है, हम लोग उसी में स्टे कर रहे हैं। कल से हम लोग उसी में स्टे कर रहे हैं, आज शाम को हम यहाँ से निकलेंगे। 5 बजे का हमारा जो ट्रेन है, तो उसके हिसाब से हमें लगभग यहाँ से 2 बजे निकलना है। 2 बजे निकलेंगे तब जा करके हमें इंडिया का जो NJP है, NJP तक पहुँचने में हमें कम से कम भी 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा। तो हमें जो है लगभग 2 बजे लगभग यहाँ से निकलना है। और ये मेरे पीछे आप लोग जो एरिया देख रहे हैं, ये बस पार्क है। और साथ ही हम लोग अभी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, तो ऐसे जहाँ तहाँ मतलब टहल रहे, देख रहे हैं ये जो बिरतामुठ का एरिया है ये कैसा है, आप लोग हम दिखा रहे हैं। इस तरफ देख सकते हैं ये बिल्डिंग वगैरह। यहाँ की खासियत ये है कि हर एक घर में जो है होटल या फिर एक दुकान तो अवेलेबल होता ही है। ऐसा कोई भी मतलब घर या बिल्डिंग नहीं है जिसमें मतलब दुकान या फिर अपना पर्सनल होटल लॉज का मतलब फैसिलिटी ना हो। और उससे भी बड़ी बात, हो सकता किसी के उसमें मतलब ना हो, लेकिन फिर भी जो है मैक्सिमम में मैंने देखा है कि किसी भी होटल में आप जाइए, उसमें जो आपको वाइन जो है अवेलेबल मिलेगा आपको। अब किसी भी टाइप का वाइन जो है अवेलेबल होता है, यही नेपाल, यह नेपाल की खासियत, नेपाल के जो मतलब होटल्स हैं या लॉज हैं उनकी खासियत है कि यहाँ पर मैक्सिमम, मैं हर एक में नहीं कहता लेकिन मैक्सिमम में मैंने जहाँ तक देखा है, आपका जो है वाइन जो अवेलेबल रहता है। छोटा सा दुकान है लेकिन इसमें भी, ये एक छोटा सा होटल है लेकिन इसके भी अंदर आप देख सकते हैं ये जो आपका अलमारी है, अलमारी में जो विभिन्न टाइप के जो वाइन है, छोटा छोटा आप साइज देख रहे हैं, छोटे छोटे से ये वाइन जो है यहाँ पर भी रखा हुआ है। तो इसी तरह से हर एक जो होटल्स है उनमें आपको जो है वाइन अवेलेबल मिलेंगी। ये बिरतामुठ का बस पार्क है, यहाँ पर, यहाँ से आपको कहीं पर भी जाने के लिए नेपाल के अंदर आप कहीं पे भी जाओ, आपको यहाँ से बस मिल सकता है, बस या फिर छोटे गाड़ी, ये जो आप देख रहे हैं, कुछ भी टेम्पो से लेकर के जितने भी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर आपको सब अवेलेबल होंगे। यहीं से आपको गाड़ी करना होगा, यहीं से गाड़ी पकड़ना होगा। ये बिरतामुठ का बस पार्क एरिया है। ये एक्चुअली बिरतामुठ जो है ये झापा ज़िले के अंदर पड़ता है। और ये झापा ज़िले के अंदर जो बिरतामुठ है, बिरतामुठ का ये अर्जुन धारा नगर पालिका 11 ये जो एरिया है, इसमें अभी हम लोग जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। और यहाँ मेरे आगे जो है याथिंगस्टर सीज़न 1 के 3 कंटेस्टेंट जो फाइनल थे, मतलब टोटल 6 थे, उनमें से जो 3 कंटेस्टेंट तो अभी मेरे साथ घूम रहे हैं। ये जो आगे दोनों जो बिल्कुल फ्रंट साइड में, तारावीर लिंबू असम के और साथ में ये कल के सेकेंड रनर्स अप, वो जो दोनों एक साथ चल रहे हैं, उनका नाम सनस अप आयतांग लिंबू और जो हमारे एक कंटेस्टेंट उदय वेगा। हम लोग अभी यहाँ पर सभी जो है होटल में कॉफ़ी पीने के लिए हम लोग आए हैं। और ये है सेवारो फास्ट फूड। हम लोग अभी यहाँ पर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर अभी हम लोग कॉफ़ी के लिए बैठेंगे। ये हमारे सारे टीम, ये पूरी हमारी टीम यहाँ पर है, यहाँ पर इस तरह से बैठकर अभी हम लोग यहाँ पर कॉफ़ी पियेंगे।
सो गाइस, मैंने देखा नहीं था यहाँ पर हमारे जो सेकंड फर्स्ट रनर्स आप फर्स्ट रनर्स आप बीबी शर्मा जी भी हमारे साथ यहाँ पर कॉफ़ी हाउस में आए हुए हैं, और उनके साथ है उनके भाई भी यहाँ पर, उनके भाई संगशेर शर्मा भी यहाँ पर जो है इसी कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीने के लिए आए हुए थे। तो हम लोग यहाँ पर हम भी कॉफ़ी पीने के लिए एक्चुअली वॉकिंग के लिए आए थे, मॉर्निंग वॉक के लिए, उसी के साथ जो हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए आए थे आ गए, और साथ में ये भी हमारे साथ अभी यहाँ पर है। सो गाइज, अभी हम लोग यहाँ से और कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए आए हैं, और इसी के साथ मैं अपना ये जो वीडियो है ये यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है तो कृपया अपना कमेंट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते, और साथ ही अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करते। यूट्यूब में अगर आप लोग देखें तो कृपया सब्सक्राइब करते, और साथ ही जो है अगर आप लोग मुझे फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और फॉलो कर दें। इसी के साथ मैं आप लोगों से लेना चाहता हूँ, विदा लेना चाहता हूँ। आप लोगों को जो है इस वीडियो को देखने के लिए जो अपना अपना जो वर्मी टाइम दिया है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा।